लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? डाल्टन ने दिया है। डाल्टन 1803 ईस्वी में इसको, इफ टू एलिमेंट कंबाइन, दो एलिमेंट को अगर मिलाते हैं तो ए प्लस बी, अब क्या कहता है, मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से अधिक, कितना, एक कंपाउंड से अधिक द वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास। अब देखिए, जब दो कंपाउंड को बनाता है, ये कितना फॉर्म बनाता है, वन कंपाउंड से अधिक बनाता है। मान के चलिए एक कंपाउंड बनाया ए बी, दूसरा कंपाउंड बनाया ए और बी टू, ए बी टू बनाया, फर्स्ट कंपाउंड कितना बनाया ए, फर्स्ट नंबर में लिखा है इफ टू एलिमेंट कंबाइन तो फॉर्म, कित दो एलिमेंट को अगर मिलाते हैं तो क्या करता है, मोर देन वन कंपाउंड, वन से अधिक कंपाउंड बनाता है। तो एक कंपाउंड यहाँ पे बनाया, एक कंपाउंड यहाँ पे बनाया, पहला कंपाउंड क्या है ए बी बनाया, दूसरा कंपाउंड ए बी टू बनाया। अब देखिए क्या कह रहा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें जुटा हुआ है, मास ऑफ इसका एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट का मास, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, दैट कंबाइन विथ फिक्स मास। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों जो मिला हुआ है, वो एलिमेंट जो मिला हुआ है उसका मास जो है दोनों का फिक्स होना, फिक्स है। तो किसका किसका, मान लीजिए इसका और ए का, ए का मास क्या है, मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ ए क्या है, मास ऑफ ए फिक्स है। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा, मास ऑफ ए फिक्स है, तो अदर एलिमेंट का क्या है, अदर एलिमेंट बी, बी टू, तो मास ऑफ, मासेस ऑफ बी एंड बी टू, मासेस ऑफ बी एंड बी टू आर डिफरेंट, डिफरेंट। अब जो ए और बी को हम जब मिलाए तो कंपाउंड कितना बनाया, दो कंपाउंड बनाया, ए बी और ए बी टू। अब ए का मास जो है यहाँ पे सेम है, जो कि जितना ऊपर में ए का मास है उतना दूसरा कंपाउंड में भी ए का मास है। सेकंड में बी नंबर जो है, बी का मास और बी टू का मास दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों का बराबर नहीं है। अब देखिए ये जो डिफरेंट मास बी टू है, बी एंड बी टू का, इसका, इस दोनों का रेशियो जो होगा वो सिंपल स्मॉल, ये दोनों का बी एंड बी टू का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। अब देखिए स्मॉल होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर कितना, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जहाँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर फाइव डेट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर जो सबसे होल नंबर छोटा होगा, जो होल नंबर सबसे छोटा होगा, स्मॉल होल ये कहना है। देखिए फिर से समझिए क्या कर रहा है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, जब हम दोनों एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, एक से अधिक कंपाउंड को उसने, पहले नंबर ए बी बनाया कंपाउंड, सेकंड नंबर में ए बी टू कंपाउंड बनाया। अब इस दोनों कंपाउंड में पहला का जो है, पहला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का दोनों का मास सेम होगा, एटॉमिक मास उसमें जो पहला एलिमेंट का, मान लीजिए ए और ए दोनों का मास सेम है। अब जो बी एंड बी टू है, इस दोनों का मास डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये बी एंड बी टू का रेशियो जो होगा वो स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। अब एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, डिफिनेशन क्लियर करना। देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये हो सकता है कि H2O बनाते, या दूसरे का बात में हो सकता है ये H2O2 बना दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O2 है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे तो दो, एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो जब हम इसको बनाते हैं तो H2 प्लस O, इसको जब रिएक्शन H2O बनाते हैं O2, तो यहाँ पे दो हम दे देंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब
जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो पहला कंपाउंड बनाया H2O, दूसरा कंपाउंड बनाया H2O2। क्योंकि वहाँ डिफिनेशन में बताया गया था कि जब हम टू एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिलाते हैं वो एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, तो यहाँ एक से अधिक कंपाउंड बनाया। अब देखिए हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का दोनों का मास सेम है। कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वन होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जब हम रेशियो निकालें तो कितना निकलेगा, यहाँ पे H2 का रेशियो निकलेगा, हाइड्रोजन का टू है यहाँ और रेशियो 16। यहाँ पे देखिए 2:32 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन का एटोमिक मास वन होता है, मल्टीप्लाई में टू है तो टू हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटोमिक मास 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई टू 32 आ जाएंगे। अब देखिए इस दोनों का मास, पहला वाला जो मास है ये दोनों सेम है। हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना है कंपाउंड वो पहला में भी, कंपाउंड दूसरा में भी हाइड्रोजन का एटोमिक मास सेम है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कंपाउंड वन में भी और कंपाउंड सेकेंड नंबर में भी दोनों में सेम है। तो किसका बचा? तो ऑक्सीजन और O2 का। देखिए इसका कितना मास होगा, तो ये दोनों का रेशियो होगा मास ऑफ O एंड O2 का रेशियो होगा। तो मास ऑफ इतना कितना है 16:32। इस दोनों का अगर हम कटाएंगे 1:2, ये 1:2 एक ये क्या है, एक स्मॉल होल नंबर है। क्या है? 1:2 एक स्मॉल होल नंबर है, यही इसका कहने का है। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन भी समझते हैं कि बोर्ड लेवल में किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन होता है मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंपाउंड डेट आर फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंसेप्ट क्या कहना था कि जो कंपाउंड मिलके जो एलिमेंट मिलके एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा वो दोनों में एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट उसका जो है सिंपल रेशियो होना चाहिए या स्मॉल रेशियो होना चाहिए। सबसे पहले इसका देखते हैं हम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? वन होता है। अब दूसरा सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इसका 32 होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इसका कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए इसका एटॉमिक मास कितना होगा फर्स्ट वाला के रेशियो को अगर हम देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी O2 है और यहाँ पे O2 जो है U2, अगर इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का मास क्या है, डिफरेंस है, मान के चलिए इसका निकालते हैं तो 2:16 कितना होगा? 2:16। यहाँ पर भी 32:32। अब बताइए इसमें तो दोनों में एक भी मास सेम नहीं है, दोनों मास सेम नहीं है। दूसरा निकालते हैं, इसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, 12:16। यहाँ पर भी कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 32। अब देखिए इस दोनों में पहला का जो है मास दोनों का सेम है, पहला का मास सेम है। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में जब हम निकाले दोनों का रेशियो निकालेंगे O2 का तो कितना होगा? 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2 होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें जब मिल गया तो ये हमारा सही है। अगर हम आगे हम निकालेंगे इसमें कितना है, 12:32 हो जाएंगे, इसमें भी 2:16 हो जाएंगे, ये भी इसमें भी नहीं समान है, इसमें सर्वर में 32:32 हो जाएंगे, इसमें 12:16 हो जाएंगे, इन दोनों में ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसी तरह से इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन